डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, आई एम जयंत कसारी। डियर फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो पर ये बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग कैसे जियो पोस्टपेड बिल अपने जियो माय जियो ऐप से आप लोग कैसे पेमेंट कर पाएंगे, अपना बिल कैसे पे कर पाएंगे, वो मैं आज इस वीडियो पर बताने जा रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी है माय जियो ऐप से पेमेंट करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, और इसके लिए आप लोगों को क्या क्या जरूर होंगे आपका बिल पेमेंट करने के लिए और कैसे पेमेंट करेंगे आप लोगों को, इस वीडियो पर डिटेल्स में बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहना है, और इस चैनल पर आप लोग नया भी हो रहे तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लेना है और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना है। ओके फ्रेंड्स, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टू वीडियो। डियर फ्रेंड्स, आप लोग सबसे पहले अपना मोबाइल पर माय जियो ऐप्स को ओपन कर लेना है। अभी मैं माय जियो ऐप्स को ओपन करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं माय जियो ऐप्स को ओपन करने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये माय जियो ऐप्स, माय जियो, मैंने इसको क्लिक कर लिया हूँ। देखिए, ये ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद ही तुरंत ही आप लोग के सामने इधर देखिए, थोड़ा ये बनारस के बारे में आ रहा है। इधर देखिए, मेरा वो भी योर बिल इज ड्यू ऑन 13/12/2020 ऐसा दिखाई दे रहा है। पे आर एस 747.03 सेंट्स है मेरा अभी जियो पोस्टपेड बिल है ये। ओके फ्रेंड्स, इसको पे करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए पे बिल, इधर नीचे आ रहा है टेलीकॉम फ्यू मोर, यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और इसके बाद पोस्टपेड अभी कितना बैलेंस है मेरे पास 37.53 GB है, इस महीने का है मेरा, और कितना इसको टिल डेट कितना नेक्स्ट बिल साइकिल होगा मेरा, अभी 30 डेज बाकी है। मैं इसको अभी देखिए पे बिल, इसमें हम लोग मैं क्लिक कर लेंगे। मैं यहाँ पर पे बिल पर क्लिक, इस पर क्लिक करने के बाद ही देखिए मैंने क्लिक कर चुका हूँ, यहाँ पर आ चुका है देखिए 747.03 सेंट्स। अभी नीचे सबसे नीचे देखिए, प्लीज नोट दिस पेमेंट विल बी क्रेडिटेड इन योर पोस्टपेड अकाउंट एंड कैन नॉट बी यूज टू रिचार्ज एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये दिखाई दे रहा है। अभी मैंने ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट को मैंने पे करने जा रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, इस रामीण को अमाउंट को मैं पे करने जा रहा हूँ अपने सामने ही। अभी मैं इसको पे कर लेंगे, देखिए मैं पे कर रहा हूँ, अपना मोबाइल से ही पे कर पाएंगे इसको। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दे के रखा है, देखिए यहाँ पर जियो UPI भी है, इसमें जियो UPI से मेरे इंटरनेशनल JK@Jio ऐसा भी मैं ये बना के रखा हूँ, और पेटीएम से भी पे कर सकते हैं, अमेजोन पे से भी पे कर सकते हैं, लेकिन मैं अलग एक में पे से मैंने पे करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी के लिए मैं कौन सा ऑप्शन से मैं पे करेंगे, मैं यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है लेकिन मैं एक ही ऑप्शन पर मैं यहाँ पर मैं पे करने जा रहा हूँ। मैं अभी कोशिश करके देखूंगी कि मैं फोन पे से पे करने के लिए, फोन पे से नहीं होंगे तो मैं दूसरा पेमेंट ऑप्शन मैंने सिलेक्ट कर लेंगे। अभी के लिए मैं फोन पे ऑप्शन में सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के सामने, देखिए डेबिट एंड ATM कार्ड से भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं आप लोग। लेकिन मैं यहाँ पर, और यहाँ पर जियो मनी, पेटीएम, फोनपे, मोबीक, सबसे बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पर, कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है आप लोगों को। मैं यहाँ पर अभी मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूँ फोनपे से, मैं अभी इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर देखिए। लेकिन मेरा प्लीज प्रोवाइड योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सेंड टू OTP ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं ऐसे नहीं पे करेंगे, उसको रजिस्टर्ड होना जरूरी है आपका उस फोनपे में, और फोनपे के साथ जिस बैंक का अकाउंट नंबर आपका रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर को आप लोगों को होना जरूरी है आप लोगों के पास, लेकिन मेरे पास है नहीं, अभी नहीं है इस मोबाइल पर। ओके फ्रेंड्स, इस जियो नंबर पर मेरा फोनपे बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, सिर्फ मेरा एक्सिस बैंक का लिंक है, लेकिन एक्सिस बैंक से मैंने पे करने वाला नहीं हूँ। ओके, मैं अभी डेबिट कार्ड से मैं पे करेंगे, डेबिट एंड ATM कार्ड से मैं इसको सिलेक्ट कर लिया हूँ। सिलेक्ट करने के बाद तुरंत ही इधर आप लोगों को कार्ड नंबर वो सब डालने के लिए बोलेंगे। देखिए मैं यहाँ पर कार्ड नंबर डाल लेंगे, अभी यहाँ पर कार्ड नंबर डालने के बाद मैं पे करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलो आप वेट कर लीजिए, आप लोग मैं कैसे कैसे पे करेंगे आप लोगों को दिखाते जाऊँगी। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा वेट कर लीजिए। डियर फ्रेंड्स, मैं सिक्योरिटी पर्पज़ मेरा ATM का मैं नंबर मैंने हाइड करके रखूँगी,
मेरा एटीएम नंबर मैंने हाइड करके रखा गया यहाँ पर। और ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लोग भी इंटर कर लेना है। मैं अभी जैसे कि मैं यहाँ पर मैं मेरा एटीएम कार्ड का नंबर मैं यहाँ पर इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद आप लोग के सामने मैं पे करके भी दिखाएंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एटीएम कार्ड नंबर में इंटर कर चुका हूँ। उसके बाद मेरे यहाँ पर मैं वैलिड टिल इसको मैं इंटर कर लेंगे। उसके बाद ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर ईयर कितना है सिलेक्ट कर लिया हूँ। और मैं सीवीवी भी सिलेक्ट कर लेंगे। सीवीवी इंटर करना बहुत ज़रूरी है। मैंने सीवीवी में सिलेक्ट कर लिया हूँ, इंटर कर लिया। उसके बाद मेरा नाम, मेरा नेम आप लोगों को तो मालूम ही है मेरा नाम क्या है। मेरा नाम जयंता, उसके बाद कसारी। उसके बाद मैं अभी देखिए नीचे सबसे नीचे देखिए आप लोग मोबाइल स्क्रीन पर पे नाउ, अभी मैं पे करने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं एक दूसरा नंबर पर जिस नंबर इस एटीएम कार्ड के बैंक अकाउंट पर जो नंबर है मेरे उस नंबर पर अभी ओटीपी आएंगे। ओटीपी उसको डालने के बाद तुरंत के उसका पे हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी मैं पे नाउ कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। देखिए ये रिडायरेक्ट हो जाएंगे अपने आप। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे मोबाइल पर स्क्रीन पर मेरे मोबाइल नंबर पर भी ओटीपी भी आ चुका है। मैं अभी ओटीपी यहाँ पर डालने जा रहा हूँ आप लोग के सामने। देखिए मैं ओटीपी डाल लेंगे यहाँ पर 40235। मैंने ओटीपी डाल चुका हूँ। अभी क्या करना है देखिए, यहाँ पर रुपए मेरा डेबिट कार्ड है, रुपए का है, सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स आ चुका है। देखिए और मोबाइल नंबर का जो मैंने लास्ट 4 डिजिट नंबर वो भी आ चुका है, 9128 वो भी आ चुका है। अभी मैं उसे सबमिट करने जा रहा हूँ। अभी 4:30 ऐसा दिखाई दे रहा है, पेज विल बी एक्सपायर इन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके वो फिनिश हो जाने तुरंत मेरा और रिसेंड करना है ओटीपी, इसलिए मैं अभी पे करने जा रहा हूँ। देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, मैं अभी पे करने जा रहा हूँ। उसके बाद आप लोग को जो रेड कलर का सबमिट बटन है उसको क्लिक करना होगा। मैंने अभी क्लिक कर चुका हूँ। देखिए मैं कर पे कर चुका हूँ। उसके बाद आप लोगों के सामने क्या स्क्रीन निकल के आएगा वो भी मैं दिखाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए आप लोग। देखिए ये देखिए आप लोग के सामने ही पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। मेरी जियो नंबर अभी मोबाइल पर भी मैसेज आ चुका है, ईमेल आ चुका है अभी देखिए। और मैं जिस बैंक का मेरा मैसेज वो भी मैसेज को आप लोगों को मैं दाएं साइड में आप लोग स्क्रीन पर मैं दिखाएंगे, शायद हो सके तो दिखाएंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जियो नंबर, मेरा जियो नंबर ऑलरेडी है आप लोग, उसको भी मैं हाइड करके रखेंगे। फुल में दिखाई नहीं दिखाने नहीं दिखाएंगे आप लोगों को, क्योंकि मेरा सिक्योरिटी पर्पज हाइड करके रखूंगी। योर ट्रांजेक्शन हैज बीन सक्सेसफुल, प्रोसीड एंड अ प्लान बेनिफिट विल बी रिफ्लेक्ट इन योर अकाउंट शॉर्टली। और फिर मोर डिटेल्स भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए मैं पेमेंट कर चुका हूँ। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही पेमेंट कर पाएंगे आप लोग भी। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर ईमेल भी आ चुका है, उस ईमेल भी आप लोग दिखाएंगे आप लोगों को। ओके फ्रेंड्स, अभी के लिए मैंने इसको डन कर दिया हूँ। डन कर दिया, डन करने के बाद यहाँ पर थैंक यू भी आ गया। योर फीडबैक इम्पोर्टेंट हेल्प आस इम्प्रूव टू सर्विस फॉर यू। मैं आक्स में लेकर कर लेंगे अभी, अभी के लिए मेरा टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं आक्स में कर लेंगे। और इधर कब अपलोड अपडेट हो जाएंगे वो मालूम नहीं है मेरे को, लेकिन अभी मैं नहीं करेंगे। ओके फ्रेंड्स, मैं फिर से मैं दिखाया आपको करके दिखाएंगे देखेंगे क्योंकि और फिर से वो बिल आ रहा है क्या नहीं। यार देखिए आउटस्टैंडिंग अमाउंट वो गायब हो चुका है अभी के लिए, वो गायब हो चुका है अभी। मेरा और दूसरा कोई पेमेंट मेरे पास अभी नहीं है, मेरा बाकी नहीं है। ओके फ्रेंड्स, और दिखाएंगे आप लोगों को। देखिए कुछ भी पेमेंट बाकी नहीं है मेरा अभी, है अनबिल पेमेंट अभी के लिए वो इस महीने का है मेरा 289.87 सेंट्स। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही बिल पेमेंट कर पाएंगे आप लोग। ओके फ्रेंड्स, और इधर देखिए ईमेल आईडी भी, ईमेल भी आप लोगों में दिखाएंगे अभी। पेमेंट रिसीव फॉर जियो नंबर 691360। और इसके बाद उम्मीद यहाँ है। ओके फ्रेंड्स, देखिए पेमेंट हो चुका है। डियर कस्टमर, थैंक यू फॉर सोर्सिंग जियो, वी हैव रिसीव योर पेमेंट ऑफ आर 747.03 मेड विया डेबिट कार्ड योर जियो नंबर। इसके बाद मेरा मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर ऑन 9 दिसंबर 2020 ऐसा आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, ऐसे मेरा पेमेंट हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, हेलो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारा हेल्प मिल गया होगा शायद। और आप लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जरूर माई जियो ऐप से आप लोग अपना बिल, पोस्टपेड बिल पेमेंट कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।